हेलो दोस्तों, आज की इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस नए वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ईमेल आईडी को कैसे लिंक किया जाता है, या फिर कह सकते हैं योनो एसबीआई ऐप्स में लिंक कैसे किया जाता है। दोनों सेम ही है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो है एप्लीकेशन योनो एसबीआई है। अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ईमेल आईडी लिंक कर लेते हैं तो उसमें भी आपका लिंक हो जाएगा योनो एसबीआई में। तो चलिए हम आपको बताते हैं और कंप्लीट प्रोसेस बताएंगे। उससे पहले अगर इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसे भी आप दबा दीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहेगा। दोस्तों, इस वीडियो को आप देख रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। तो चलिए इस वीडियो को शुरू कर। तो सबसे पहले एसबीआई अकाउंट में ईमेल आईडी रजिस्टर करने के लिए आपको कोई भी ब्राउजर ओपन कर लेना है, चाहे लैपटॉप में, चाहे कंप्यूटर में, चाहे मोबाइल में। तो यहाँ पे आपको टाइप करना है onlinesbi.com। तो चलिए हम यहाँ पे टाइप कर लेते हैं। ये टाइप करने के बाद उसके बाद सर्च कर देंगे। सर्च करने के बाद आपके सामने में देखिए कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुलेगा। तो यहाँ पे एक लॉगिन का ऑप्शन है, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। तो क्लिक करने के बाद आपके सामने फिर से कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुलेगा। तो यहाँ पे भी आपको कंटिन्यू टू लॉगिन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो क्लिक करने के बाद आपके सामने देखिए कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुलता है। तो यहाँ पे आपको करना क्या पड़ेगा, यहाँ पे देखिए आपको यूज़र नेम और पासवर्ड आपको यहाँ पे इंटर कर देना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो भी आपका यूज़र नेम है वो यहाँ पे इंटर करेंगे, जो आपका पासवर्ड है वो यहाँ पे आप इंटर करेंगे। उसके बाद ये जो कैप्चा देख रहे हैं यहाँ पे इंटर करके उसके बाद आपको लॉगिन बटन पर क्लिक कर देना होगा। बाद जैसे ही आप लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे तो देखिए आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर आपका ईमेल वेरीफाई होगा अकाउंट से तो ये वाला ऑप्शन आपको नहीं आएगा। अगर ईमेल आपके अकाउंट में रजिस्टर नहीं होगा तब ये आपका ये ऑप्शन आएगा। तो मेरा ईमेल जो है अकाउंट में रजिस्टर नहीं है, तब ये देखिए वेरीफाई और ईमेल एड्रेस कर रहा है करने के लिए। तो यहाँ पर हम जो है जूम करके आपको दिखा रहे हैं, इस वाले ऑप्शन पर आपको डायरेक्ट क्लिक करना है, आई वॉन्ट टू अपडेट। तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने देखिए कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुलता है। यहाँ पे आपका जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर होगा आपके अकाउंट के साथ, तो उसमें एक ओटीपी गया होगा, तो वो ओटीपी यहाँ पे डाल के उसके बाद यहाँ पे कन्फर्म पे आपको क्लिक कर देना होगा। कन्फर्म पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको पूछा जाता है आप कौन सा ईमेल आईडी देना चाहते हैं, अपने अकाउंट के साथ कौन सा आप लिंक करना चाहते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे ईमेल आईडी दे देंगे, उसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक कर देंगे। हमने देखिए कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुलता है। तो यहाँ पे आपको बहुत ही ध्यान से क्लिक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, एक है ईमेल आईडी के द्वारा अप्रूवल आपको मिल जाएगा, यानी कि ईमेल आईडी में एक ओटीपी आएगा, उसके बाद आपका लिंक हो जाएगा आपके अकाउंट के साथ। एक है ब्रांच अप्रूवल, यानी आपको ब्रांच में जाके आपको ईमेल आईडी रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। तो यहाँ पर आपको इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक नहीं करना है, भूल से भी यहाँ पर ब्रांच अप्रूवल पर आपको क्लिक नहीं करना है। जब भी करना है तो यहाँ पर ईमेल पर ओटीपी अप्रूवल पे आपको क्लिक करना होगा। तो यहीं पे आप मिस्टेक करते हैं, तो चलिए यहाँ पे हम क्लिक कर देते हैं। अगर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको ईमेल पे एक ओटीपी जाएगा, तो वही ओटीपी यहाँ पे इंटर कर देना होगा। तो जो भी आप ईमेल आईडी दिए होंगे उसी पे देखिए इंटर हाई सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन पासवर्ड गया होगा, तो वही पासवर्ड यहाँ पर आपको इंटर करना पड़ेगा, उसके बाद अप्रूव पे क्लिक कर देना पड़ेगा। तो चलिए हम आपको बताते हैं ईमेल ओपन करके कहाँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे ईमेल पे आ गया हाई सिक्योरिटी पे, हम क्लिक करेंगे। तो क्लिक करने के बाद देखिए आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुलेगा। तो यहाँ पे आपको नीचे जाना पड़ेगा। नीचे जाने के बाद ये जो आप देख रहे हैं पीडीएफ में आया है, इसको डाउनलोड कर लेना है। तो चलिए हम यहाँ पर डाउनलोड कर लेते हैं। उसके बाद ये जो है डाउनलोड होने के बाद जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो उसके बाद जो है आपको यहाँ पर पासवर्ड मांगा जाएगा। तो यहाँ पर चलिए हम पीडीएफ पर क्लिक कर देते हैं। पीडीएफ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक पासवर्ड मांगा जाएगा। वो क्या होगा पासवर्ड, जो आपके अकाउंट में लिंक होगा मोबाइल नंबर, वही आपको मोबाइल नंबर यहां पे इंटर करना पड़ेगा, तभी आपको हाई सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन पासवर्ड यहां पे मिलेगा। करने के बाद आपके देखिए सामने में ये ओटीपी चेंज योर ईमेल एड्रेस, यहाँ पे देखिए मेरा ओटीपी आ गया हाई सिक्योरिटी पासवर्ड ट्रांजैक्शन। तो यहाँ पे देखिए यही हमको वहाँ पर इंटर करना पड़ेगा। तो चलिए हम यहाँ पर इसको जो है किसी जगह नोट कर लेते हैं। जैसे ही सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन पासवर्ड दे देंगे जो कि आपके ईमेल पे आया होगा, वही यहाँ पे इंटर कर देना होगा, उसके बाद यहाँ पे अप्रूव पे क्लिक कर देना होगा। तो जैसे ही आप अप्रूव पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने देखिए कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुलता है। तो यहाँ पे देखिए मेरा जो है ईमेल आईडी सक्सेसफुल हो चुका है, यानी कि अपडेट हो चुका है मेरे अकाउंट के साथ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं एसबीआई अकाउंट का जो है ईमेल आईडी एड्रेस अपडेट सक्सेसफुल हो चुका है। तो आप इसी तरीके से जो है अपने अकाउंट के साथ ईमेल आईडी रजिस्टर कर सकते हैं।
चलिए हम आपको योनो SBI ऐप्स जो है ओपन करके दिखाते हैं वहाँ पे ईमेल आईडी लिंक हुआ है या नहीं हुआ है। तो सबसे पहले हम योनो SBI को ओपन कर लेते हैं, एम पिन से लॉगिन कर लेते हैं। तो जैसे ही हम लॉगिन कर लेंगे तो आपके सामने देखिए कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुलेगा। तो यहाँ पर चलिए हम होम पेज पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए प्रोफाइल में जहाँ हमको जाना होगा, तो यहाँ पे 3 लाइन पे ऊपर में क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद उसके बाद आप यहाँ देखते हैं सर्विस रिक्वेस्ट का एक ऑप्शन है, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे प्रोफाइल में जाएंगे। प्रोफाइल में जाने के बाद आप यहां पे देख सकते हैं मेरा जो है ईमेल आईडी लिंक हो चुका है। आप इसी तरीके से ईमेल आईडी को अपने SBI अकाउंट में लिंक कर सकते हैं, साथ ही साथ योनो SBI में भी आप लिंक कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी सवाल या सुझाव है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों फिर मिलेंगे किसी एक और नए शानदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।